नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरीके से ब्रेन सर्किट का टेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रेन सर्किट है, ये ग्रीन कलर का होता है और इसकी एक आउटर ट्यूब होती है, एक इनर ट्यूब होती है। ये बेसिकली मैपलसन टाइप डी का मॉडिफिकेशन है जो कि ब्रेन ने किया था, जिस वजह से इसे ब्रेन सर्किट कहा जाता है। इस सर्किट में एक रिजर्वॉयर बैग, APL वाल्व, एक फ्रेश गैस की ट्यूब जिसे कि हम बोलते हैं मशीन हेड, फिर आ जाती है कोएक्सियल ट्यूबिंग सिस्टम जिसमें कि जो इनर ट्यूब है उसे कहते हैं फ्रेश गैस ट्यूब, क्योंकि वो फ्रेश गैस यानी कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सोर्स से पेशेंट एंड तक डिलीवर करती है। वेयर एज जो आउटर ट्यूबिंग आप देख सकते हैं उसे कहते हैं कॉरूगेटेड एक्सपिरेटरी ट्यूबिंग, जो पेशेंट की एक्सहेल गैस को कैरी करती है। फिर आ जाता है हमारा पेशेंट एंड, जहाँ पे कि मास्क या फिर एटीट्यूब कनेक्ट होती है। ब्रेन सर्किट का यूज हम पेशेंट को मैन्युअली वेंटिलेट करने के लिए करते हैं, लाइक जब हमारी एनेस्थीसिया मशीन या वेंटिलेटर खराब हो जाए, या फिर इंटूबेटेड पेशेंट को ट्रांसफर करना हो। यदि हमें इसे चेक करना है, इसको चेक करने के हमारे पास तीन टेस्ट होते हैं। ब्रेन सर्किट चेक करने के लिए सबसे पहले हमने उसे फिजिकली एग्जामिन किया, उसके बाद हमारे पास तीन टेस्ट आते हैं। सबसे पहला टेस्ट होता है जो कि बेसिकली इनर ट्यूब ऑक्लूजन टेस्ट है, जिससे कि हम इनर ट्यूब की पेटेंसी चेक करते हैं। उसको बॉबिन डिप टेस्ट भी कहा जाता है और उसका एक और नाम भी है जिसे बोलते हैं फोएक्स क्रैम्पटन स्मिथ टेस्ट, भी उसी टेस्ट को कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट, जिसमें कि हम बेसिकली अपलोड करेंगे अपने ब्रेन सर्किट को, और उस टेस्ट से बेसिकली हम अपनी जो आउटर ट्यूबिंग है उसको चेक करेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा टेस्ट जो कि है ऑक्सीजन फ्लश टेस्ट, इसको पैथिक टेस्ट के नाम से भी जानते हैं लोग। चेक करने से पहले आपको इसकी अपीयरेंस देखनी है, ये अच्छे से क्लीन होना चाहिए और सभी पूरी, और आपको ये ट्यूब इंस्पेक्ट करनी है, कहीं से भी किंक या फिर डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। जब आपने ये ट्यूब चेक कर ली, एक बार आपने फिजिकली इस सर्किट को चेक कर लिया है, उसके बाद आपको एक इस तरीके का अडेप्टर चाहिए होगा जो कि हमने 7.5 की ईटी ट्यूब से निकाला है, कनेक्ट इसको हम कनेक्ट करेंगे ACGO पोर्ट में। सबसे पहला जो टेस्ट हमें करना होता है वो होता है बॉबिन डिप टेस्ट। इस टेस्ट में हम अपनी फ्रेश गैस ट्यूब को डायरेक्टली ऑक्सीजन पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फ्लो को 2 लीटर पे ऑन कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक प्लंजर जो कि 2 CC का होगा, या फिर आप 5 CC का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो इसकी इनर ट्यूब है उसको अक्लूड करना है आपको इससे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको अक्लूड करूँगा तो वहाँ पे जो बॉबिन है वो डिप करने लग जाएगा। जैसे ही मैं इसको अक्लूड करता हूँ, ये मैंने अक्लूड किया, तो आप बॉबिन पे नज़र डालिए, जो हमारा बॉबिन है वो डिप करेगा। जैसे कि वो अभी चल रहा है, फिर मैं इसको करता हूँ अक्लूड, तो आप देख सकते हैं वो डिप कर रहा है। इसको बोलते हैं बॉबिन डिप टेस्ट। बुक्स में दिया गया है कि आप इसको 2 लीटर पे रन करके उसके बाद ये टेस्ट करें। हालांकि कभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो तो आप इसका फ्लो रेट बढ़ा भी सकते हैं और उसके बाद भी इसको अक्लूड करेंगे, तो आप अच्छे से देख पाएंगे कि बॉबिन डिप हो रहा है। ये था हमारा सबसे पहला टेस्ट जिसे बोलते हैं बॉबिन डिप टेस्ट। इसकी मदद से हमने ये फिगर आउट किया कि हमारी जो इनर ट्यूब है वो अच्छे से काम कर रही है और उसमें कोई भी लीक नहीं है। इसके बाद हमें ये कनेक्टर इसमें अटैच करना है और इस कनेक्टर को हमें लगा देना है मशीन के ACGO पोर्ट में। इसको हम इधर रख देते हैं। अब हमारे पास 2 टेस्ट बचते हैं। एक टेस्ट है पॉजिटिव प्रेशर टेस्ट, जिसमें हमें जो पेशेंट एंड है इसको पूरा अक्लूड कर लेना है, और फिर उसके और जो इसका APL वॉल्व है इसको कर देना है क्लोज। APL वॉल्व करना है क्लोज, पेशेंट एंड करना है अक्लूड, और फिर दबाना है ऑक्सीजन फ्लश बटन, और फिर आप देखेंगे जब रिजर्वायर बैग है वो इन्फ्लेट हो जाएगा। अब जब ये इन्फ्लेटेड है, मैंने यहाँ से अक्लूड कर रखा है, तो ये जो हमारा रिजर्वायर बैग है ये इन्फ्लेट रहना चाहिए फॉर मोर देन 10 सेकेंड्स।
तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से इन्फ्लेटेड रह रहा है, इसकी कहीं पे भी कोई भी गैस लीक नहीं हो रही है। हम 10 सेकंड तक देखेंगे, जब 10 सेकंड्स हो जाएंगे तो उसके बाद हमें इस अब हम इसके APL वॉल्व की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम इस APL वॉल्व को ओपन कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये डिफ्लेक्ट हो गया है, इट मीन्स हमारा APL वॉल्व भी ठीक काम कर रहा है। ये था हमारा दूसरा टेस्ट। अब यदि हम थर्ड टेस्ट की बात करें, इस टेस्ट में हम वेंचुरी इफेक्ट की मदद लेते हैं, इसे बोलते हैं O2 फ्लश टेस्ट। इसमें हमें बेसिकली पहले हल्का सा उस रिजर्वॉयर बैग को इन्फ्लेट करना है हल्का सा, और फिर जो पेशेंट हैंड है उसको ओपन कर देना है, और इसके बाद हमें O2 फ्लश बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप देख सकते हैं मैं O2 फ्लश बटन को प्रेस करूँगा तो उधर जो हमारा रिजर्वॉयर बैग है वो डिफ्लेट हो जाएगा। यदि मैंने इसे क्लूज किया, थोड़ा सा इन्फ्लेट किया, फिर मैंने छोड़ दिया, अभी हम इसको थोड़ा रेस्ट होने लेंगे जितना भी ये एयर इसमें बचेगी। अब आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत एयर उसमें बची है, तो उसको निकालने के लिए हमें सिर्फ O2 फ्लश बटन को प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिजर्वॉयर बैग है वो डिफ्लेट होना चाहिए। यदि हमारा रिजर्वॉयर बैग डिफ्लेट हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारी इनर ट्यूब इंटैक्ट है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।